स्टेशन पर गरम चाय करता था। प्रधानमंत्री जी, आप ड्राइवरी करके तो देखिए, आप ड्राइवरों की व्यथा तो समझिए। आप कहते थे हम चौका बर्तन करने वाली के बेटा हैं। बाप हमारा चाय बेचता था, स्टेशन पर गरम चाय करता था। अरे भैया तो आइए ना, आप कहला 85 करोड़ के फ्लाइट पर चढ़ रहे हैं, 80,000 का मशरूम खा रहे हैं, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहन कर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं कि गोबर को चवनप्राश समझ कर खाते हो, तो फिर सरकार ने होल्ड पर क्यों किया है? आप बताओ होल्ड क्या होता है भाई? आपने तो कृषि काला कानून में भी होल्ड किया था। होल्ड क्या होता है? होल्ड किया जैसे जसोदा बेन को छोड़ दिया उसे ही होल्ड कर दिया। और देश के ड्राइवरों के सम्मान में, अरे कानून वापिस लीजिए, यह काला कानून है। और समझदार, सबसे बड़का समझदार रंगा बिल्ला की जोड़ी है। प्रधानमंत्री और अमित शाह के अलावा तो कोई समझदार है नहीं। 80% आबादी हिंदुओं की है, तो ट्रक चालकों की संख्या 80% तो हिंदू होगा, तो किसको प्रभावित आप कर रहे हैं? 14% मुसलमान है, तो टेक्निकल लाइन में है, तो मुसलमानों को दिक्कत हो रहा है। अरे भैया खा मखा हिंदू और मुसलमान का एजेंडा चला रहे हो। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. ड्राइवरों को कौन भड़का रहा है? ये कह रहे काला कानून है, अमित शाह कह रहे कि समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को। देखिए, दो सबसे बड़ा ना समझ रंगा बिल्ला की जोरी पूरे देश को परेशान कर रखा है। आप कह रहे हैं ना समझ है, किसान भी ना समझ था, छात्र भी ना समझ है, महिला भी ना समझ है, पहलवान भी ना समझ है, तो सबसे बड़ा समझदार का अमित शाह और मोदी है। अगर समझदार होता तो दो चुटकी सिंदूर की कीमत का पता होता ना। नहीं समझदार है, बेवकूफ है तब ना। नरेंद्र मोदी को दो चुटकी सिंदूर का कीमत नहीं मालूम है, वो आदमी के जज्बात को क्या समझेगा। आप कह रहे हैं ड्राइवर की बात, भगवान श्री कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, अगर सारथी सही नहीं हो तो आप गंतव्य तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। समझिए, देश का भी सारथी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही नहीं है, तब ना देश डूब रहा है, तब ना वर्ल्ड बैंक का कर्जा बढ़ रहा है। आप देखिए सेना का 3-3 बार बहाली निकाले, 19 में 20 में 21 में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बीजेपी सरकार कर लिया। अब छात्र आंदोलन करेगा तो छात्र समझदार नहीं है। समझदार सबसे बड़का समझदार रंगा बिल्ला की जोरी है। प्रधानमंत्री और अमित शाह के अलावा तो कोई समझदार है नहीं है। हम दो समझदार, हमारे दो समझदार। अरे भैया आप युवा को समझदार नहीं समझते हैं, छात्र को समझदार नहीं समझते हैं, किसान को समझदार नहीं समझते हैं, देश के पहलवानों को समझदार नहीं समझते हैं। अपने मियां मिट्ठू बने हुए हैं मोदी जी। आपने जो काला कानून लाया, हर बार कुत्सित प्रयास प्रधानमंत्री का रहता है कि कैसे देश की आवाम को लूटा जाए। आप बताइए, जन्म निर्णय से लेकर मृत्यु तक के सामानों पर GST लगा दी, हॉस्टलों पर GST लगा दी, किताबों पर GST लगा दी, खाने पीने पर GST लगा दी, तो ये लूटना नहीं तो क्या है? और इसी सरकार का एक नया एजेंडा है कि आधा घंटा पहले अगर बेटिंग टिकट कैंसिल नहीं कराओगे तो पूरा सोलनी डूब जाएगा, तो ये लूट नहीं तो क्या है? अप्रत्यक्ष सरकार द्वारा, सुनिए, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि पूजा प्रतिष्ठान होने वाला मंदिर का इसलिए आप लोग विपक्ष वाले हंगामा करवा रहे हैं। कौन सा पंडित मुहूर्त निकाल के दिया 22 जनवरी का, आप बताओ। और सुनो, सत्य सनातन हिंदू धर्म में नारी की, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। आपने जिस प्रभु श्री राम के मंदिर की प्रतिष्ठा की बात की, प्रभु श्री राम माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, और ये क्या किया, जसोदा बेन को छोड़ दिए, न बेचारी सुहागन है, न विधवा है, न कुमारी है, तो कैसे प्रभु श्री राम के मानने वाले हैं? और दूसरी बात आप समझिए, 22 जनवरी का कौन सा तिथि निकल गया, जब जसोदा बेन है ही है। अरे सुन लो यार, यही दलाली करना तो अपने, अरे सुनो, अरे सब दिन दिवाली, सत्य सनातन धर्म न खत्म हुआ है न खत्म होगा, था है और रहेगा। मोदी के जैसे कितने आएंगे और जाएंगे, कालनेमी के जैसे कितने आएंगे और जाएंगे, हिंदू धर्म आज से है। अब ऐसी बात कह रहे हो आप, ये बात ना करो। आप आए हो अभी ट्रक चालकों के सम्मान में बात करो, 80% आबादी हिंदुओं की है, तो ट्रक चालकों की संख्या 80% तो हिंदू होगा। तो आप एक बात बताओ, तो किसको प्रभावित आप कर रहे हैं? 14% मुसलमान है, तो टेक्निकल लाइन में है, तो मुसलमानों को दिक्कत हो रहा है। अरे भैया खा मखा हिंदू और मुसलमान का एजेंडा चला रहे हो। हर प्रधानमंत्री की हर पॉलिसी, अगर किसान देश में है तो 80% हिंदू है, तो हिंदू ना सबसे ज्यादा किसान है। अगर बेरोजगारी है तो 80% हिंदू है, तो 80% हिंदू ना बेरोजगार है, तो फिर
कौन समझाएगा लोग आप लोगों अरे भाई, अरे भैया क्या पत्रकारिता करते हो, क्या कह रहे हो, रोटी खाते हो भैया कि गोबर को चमनप्रास समझकर खाते हो? तो फिर सरकार ने होल्ड पर क्यों किया है आप बताओ, होल्ड क्या होता है भाई? आपने तो कृषि काला कानून में भी होल्ड किया था, है? होल्ड क्या होता है? होल्ड किया जैसे जसोदा में इनको छोड़ दिया, उसे ही होल्ड कर दिया। अरे कानून वापिस लीजिए, यह काला कानून है। और देश के ड्राइवरों के सम्मान में पूरा जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक गंतव्य तक पूरे देश को पहुंचाने का काम देश के ड्राइवर करते हैं, और लगभग 65 लाख से 1 करोड़ के बीच में ट्रक और बस के ड्राइवर हैं। वैसे तो 22 करोड़ पूरे ड्राइवर हैं। देखिए 22 करोड़ जो ड्राइवर हैं उसमें ऑटो चालक टैक्सी चालक समेत हैं। हमने सारे पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था, ड्राइवर मतलब आज के डेट में ऐसा बना दिया है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री जी आप ड्राइवरी करके तो देखिए, आप ड्राइवरों की व्यथा तो समझिए। आप कहते थे हम चौका बर्तन करने वाली के बेटा हैं, बाप हमारा चाय बेचता था, स्टेशन पर गरम चाय करता था। अरे भैया तो आइए ना, आप कहाँ ला 85-100 करोड़ के फ्लाइट पर चढ़ रहे हैं, 80,000 का मशरूम खा रहे हैं, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, और नित्य नए प्रयोग मोदी सरकार का है। कैसे देश में किसको परेशान किया जाए? कभी ड्राइवरों को, कभी किसानों को, कभी छात्रों को, कभी जवानों को, कभी पहलवानों को, कभी सरकारी कर्मचारियों को, कभी प्राइवेट कर्मचारियों को। बाल ना बच्चा नींद पर अच्छा है, अगर बीवी बच्चा ड्राइवरों को भड़का रहे हैं, औकात क्या है? अरे यार सुन तो लो, देखिए राहुल गांधी जी जब गए थे ट्रक पर, ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा किए, तो नितिन गडकरी ने भी स्वीकार किया। देखिए ड्राइवर को अगर उचित अगर मिलेगा वातावरण तो वो सही रूप से गाड़ी चलाएंगे। और ड्राइवर का जो केबिन होता है वो केबिन में इतनी गर्मी लगती है, आप सोचिए जेठ की दोपहरिया में गाड़ी चला रहा तो कितनी विषम परिस्थिति में चलाता है। तो क्या ड्राइवर भारतीय नहीं है? ड्राइवर हिंदू नहीं है? ड्राइवर इंसान नहीं है? अरे यार अरे भैया कौन डीएम? वो पगला है, वो भाजपा के वो पाठशाला में जाता होगा। अरे वो चोरी लेटरल एंट्री से आईएएस कर लिया होगा, अगर आईएएस पढ़ा होता तो सब कुछ की जानकारी होती उसको। वो महामूर्ख है, वो सरकार की दलाली में बोल दिया होगा। उन दलालों की बात मत कीजिए, जाने दीजिए, छोड़िए उस सबको, आगे बोलिए। कब तक रहेगा आंदोलन, कब तक होगा? देखिए ये आंदोलन कंटिन्यू, जब तक ये काला कानून वापिस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। सरकार को ये काला कानून वापिस लेना चाहिए, और होल्ट जैसी बातें न करना चाहिए। लोक लुभावन बातें नहीं चलेगी। हड़ताल खत्म करने की बात, अरे भाई हड़ताल, देखिए ट्रक के ड्राइवर भारतीय हैं, भारत से इनको प्रेम है, भारत के लोगों को तकलीफ न हो इसके लिए इन्होंने हड़ताल खत्म की है। इसके लिए नहीं हड़ताल खत्म की है कि सरकार ने इस कानून को होल्ड कर दिया है, सीधा सा बात। जबरदस्ती आप लोग बैठे हुए मतलब? अरे भैया सुन न रहे यार, मुँह का बवासीर है, सुनते नहीं हो? अरे सुनो पहले, सरकार को ये काला कानून, अरे सुन तो लो। अरे कोई ड्राइवर एक्सीडेंट में अगर किसी तरीके की वारदात होती है तो सरकार को ऐसी योजना लाना चाहिए कि उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, या अपंग होने की स्थिति में उनको मानदेय भत्ता कैसे मिलेगा, इस बात के लिए बात करनी चाहिए। कहाँ पर चर्चा हुआ भैया? संसदों के साथ की चर्चा से तो प्रधानमंत्री डरते हैं, घर वाली से चर्चा नहीं करते हैं, अपने माँ बाप से चर्चा नहीं किए, 40 साल भीख मांग के खाए। जब माँ बाप से चर्चा करना था, जब एक पुत्र होने का धर्म निर्वाह करना था तो भीख मांग के खाए, जब उनको पति का धर्म निर्वाह करना था तब भी घरवाली को छोड़कर भाग गए, तो कौन सा राजा का धर्म निर्वाह करेंगे? देश के लिए। अरे भाई देश के लिए आपके पापा छोड़ दिए होते, आप पत्रकार होते हैं? आज ये ड्राइवर होते कोई फौज में होता? अरे यार सुनो ऐसी बात, तुम पत्रकार नहीं ना हो, तुम आतंकवादियों से गए गुजरे हो। अगर सब सुनो, अगर देश में सबके पिताजी, सुनो पहले बात सुनो, आप पत्रकार हो ना, देश में अगर सबके पिताजी सबके माताजी को जसोदा बहन की तरह छोड़ देते तो कोई डॉक्टर होता, कोई इंजीनियर होता, कोई फौज में होता, कोई पुलिस में होता, कोई कलेक्टर होता? तो भैया रणवों से देश चलेगा, देश चलेगा गृहस्थ जीवन से। और महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि लोक कल्याण की बातें वही करेगा जिसका अपना घर परिवार होगा, जो निसंतान होगा वो लोक कल्याण की बातें नहीं कर सकता है। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga.